गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे हलावाद और बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ और इनका निधन 2003 में। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य हैं, मधुशाला हैं, 1935 में लिखा गया, मधुबाला 1936 में लिखा गया, मधुकलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939, अकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946 और हालाहल 1946, खादी के फूल 1948 और मिलन यामिनी 1950। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। हालावाद जो हैं ये छायावाद के बाद का काल हैं और ये लगभग 3 या 4 साल का पीरियड था, इसको हालावाद की संज्ञा दी गई है। अब हम देखते हैं कि हालावाद की कविताएं किस प्रकार की थी और बच्चन ने इस साहित्य को हालावाद नाम क्यों दिया, इस चीज़ों का अपन यहाँ जिक्र करेंगे। हालावाद हिंदी साहित्य में फारसी साहित्य के प्रभाव से आया। सूफी लोग अपने को शरीयत वालों से भिन्न समझते हैं। किनसे? शरीयत वालों से, क्योंकि उनके मत से शरीयत वालों के विचार कुछ संकुचित होते हैं। शरीयत वालों के ढोंग और आडंबरों की अपेक्षा में रिंदो उन्हें कहा जाता है जो मजहब को या धर्म को न मानता हो। अब ये कह रहे हैं कि शरीयत वालों के ढोंग आडंबर बढ़ गए थे और फिर फक्कड़ लोगों की सहायता को अधिक महत्व देने लग गए थे और वे अपने को ही रिंद कहना पसंद करते हैं और फिर वे शराब को आध्यात्मिक मस्ती का संकेत मानते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे फारसी के हालावादी साहित्य में उमर खयाम का नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और फिर फिजरॉल्ड द्वारा किया हुआ उनकी रुबाइयों का हिंदी अनुवाद भी निकाला गया। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त ने भी उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया, लेकिन बच्चन ने उमर खयाम की मधुशाला लिखी और उसके साथ ही स्वतंत्र रूप से भी अपनी मधुशाला लिखी। बच्चन को हम इस मधु साहित्य के प्रतिनिधि कवि समझते हैं, मानते हैं। उन्होंने मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, इस प्रकार से कई सारी कविताएं लिखी हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ विश्लेषण करेंगे हालावाद का कि हालावाद का प्रारंभ कब से हुआ और इसमें किस प्रकार का साहित्य है वो समाहित हुआ। हिंदी साहित्य में हालावाद की शुरुआत
छायावाद की बात हुई लगभग 35-36 के। छायावाद की कविताओं में वैयक्तिकता की प्रधानता रही है। इसके कवि दुनिया को भूलकर स्वयं अपने प्रेम संसार की प्रेमपूर्ण मस्ती में डूब गए। संसार के सारे सुख, सारी निराशा और सारी कठिनाइयाँ इसी हालावाद की मस्ती में डूब गई। उभरा तो सिर्फ प्रेम और सभी प्रेम की दुनिया में त्रोहित हो गए। कवि और श्रोता दोनों ही मस्ती के रंग में रंग गए। कब? हालावाद में। प्रेम को सर्वस्व मानना सभी हालावादी कवियों का मूल सिद्धांत बनकर हमारे सामने उभरा। ये कविताएं अपने समय में अत्यंत लोकप्रिय हुई तथा इसका व्यापक प्रचार भी हुआ। इस धारा के अग्रणी हम कवि माने तो हरिवंश राय बच्चन हैं। इनके बाद भगवती चरण वर्मा, पंडित नरेंद्र शर्मा आदि। अब हम देखते हैं कि मस्ती और अलहड़ से भरे मधु के गीत गाने वाले कवि बच्चन का हिंदी साहित्य से सर्वप्रथम परिचय उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद से हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया और उसी समय से इनका हिंदी में प्रवेश होता है। और वह खयाम की रचनाएं ही बच्चन जी का परिचय लेके आती हैं। यह अनुवाद मात्र शब्द जाल ना होकर बचन के हृदय से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उमर खयाम की रचनाओं का या उनकी रुबाई का इन्होंने हूबहू शब्द रूपांतरण किया हो। इन्होंने उस चीज़ को अपने हृदय से जोड़ करके अपने हृदय से अनुभूति को निकाला है। यानी हृदय रस से परिपूर्ण होकर के यह रचनाएं निकली हैं। बच्चन की मधुशाला हालावाद की उत्कृष्ट कृति मानी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि यह जितनी लोकप्रिय हुई उतनी किसी भी अन्य कवि की काव्य कृति इतनी लोकप्रिय या प्रसिद्ध नहीं हुई। रूढ़िवादियों ने मधुशाला का विरोध तो किया पर उन लोगों ने उस कृति को अमरता प्रदान कर दी जो मस्ती के दीवाने थे। जो मस्ती के दीवाने थे उन्होंने मधुशाला को अमर बना दिया और जो रूढ़िवादी थे उन्होंने इसका भरसक विरोध किया। अब हम देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने इस मधुशाला का सर्वप्रथम वाचन कहाँ किया। जब पहली बार दिसंबर 1933 में ये रुबाइयाँ बच्चन द्वारा झूम झूम कर शिवाजी हॉल काशी विश्वविद्यालय के एक कवि सम्मेलन में सुनाई गई तब सभी श्रोता मदमस्त होकर झूम उठे। नवयुवक विद्यार्थी भी नहीं बुढ़े बुढ़े भी आह्लादित हो उठे। बच्चन ने मधुशाला के संबोधन में मादक को संबोधित किया और लिखा है। क्या लिखा है? मादकता क्या है, मस्ती क्या है, इसको परिभाषित करते हुए
वचन कहते हैं, आज मदिरा लाया हूँ, मदिरा जिसे पीकर भविष्य के भय भाग जाते हैं, भूतकाल के दारुण दुख दूर हो जाते हैं, जिसे पाकर मान अपमान का ध्यान नहीं रह जाता और गर्व लुप्त हो जाता है, जिसे ढाल कर मानो अपने जीवन की व्यथा पीड़ा और कठिनता को कुछ नहीं समझता और जिसे चख कर मनुष्य श्रम संकट संताप सभी को भूल जाता है। यह मेरे हृदय की मदिरा है, मत समझ तू अकेले जलता, तू जलता है पर प्रभाव मुझ पर पड़ता है। इस प्रकार का इन्होंने मादकता को, इस मदिरा को उस होल के अंदर संबोधित किया था। देखिए सचमुच वचन की मधुशाला तब तक अमर रहेगी जब तक लोग प्रेम और मस्ती के दीवाने बने रहेंगे। इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। जैसा कि बच्चन ने अपने शब्दों में या मधुशाला में कहा है, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पियो दो लाख पियो, पिए पाठक गण पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुशाला किसे कहा है? पुस्तक किसके लिए? पाठकों के लिए। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पिए पाठक गण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। आगे कहते हैं, मधुशाला वास्तव में एक रहस्यमय गुफा है। क्या है? गुफा है, जिसे पढ़ने पर उसमें तमाम द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं और हर द्वार पर एक नई मस्ती से भरी मधुशाला का एहसास होता है। मधुशाला के प्रथम पेरोडिस्ट यानी मनोरंजन ने अपने गुनगुन में मधुशाला और मधु का प्याला के लिए मधुगीत शीर्षक देकर इन दोनों रचनाओं का परिचय देते हुए लिखा है। क्या लिखा है? प्रयाग के प्रतिभाशाली कवि श्रीयुत बच्चन जी ने हिंदी में मधुशाला की रचना करके एक नई धारा बहाई है, जो हमारे साहित्य के लिए ही नहीं संस्कृति के लिए भी नई, किंतु मुझे पगध्वनि सरीखी कविताएं हर तरफ से अच्छी लगी। वहीं पर मधुशाला संबंधी कविताएं उनकी दार्शनिकता के कारण इतनी श्रेयस्कर प्रतीत न हुई। बच्चन जी के प्याले की गहराई तक नियम प्याले की गहराई तक नव युवक नहीं पहुंच सकते, वे प्याले की सतह तक ही उतर कर रह जाते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। कौन कह रहा है? मधुगीत शीर्षक से एक आर्टिकल या रचना छपी थी, उसमें ये लिखा है कि प्रयाग के प्रतिभाशाली बच्चन जी ने हिंदी में मधुशाला की रचना की और ये मधुशाला की रचना करके एक नई धारा बहाना चाह रहे थे, जो साहित्य के लिए ही नहीं हमारी संस्कृति के लिए भी नई हैं। किंतु इनकी रचना जो पगध्वनि थी, पगध्वनि सरी की कविताएं हर तरफ से अच्छी लगी। वहीं पर मधुशाला संबंधी कविताएं उनकी दार्शनिकता के कारण उतनी श्रेयस्कर न हुई। वचन के प्याले की गहराई तक नवयुवक नहीं पहुंच सकते, वे प्याले की सतह तक ही उतर कर रह जाते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। आगे क्या कहते हैं? मधुशाला जितनी प्रिय तब थी, आज भी उससे कम प्रिय नहीं है। वचन की अन्य रचनाओं में मधुबाला हैं, मधुकलश हैं, निशा निमंत्रण हैं, एकांत संगीत हैं, आकुत अंतर हैं आदि, जो अपने अंदर गहन पीड़ा लिए हुए हैं और दार्शनिकता को समेटे हुए हैं। वस्तुतः इन कविताओं को खुमार मधुशाला से भिन्न हैं, यानी ये जो मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण
एकांत संगीत, आकुल अंतर, ये मधुशाला से काफ़ी भिन्नता लिए हुए हैं। हालावाद में दूसरे महत्वपूर्ण कवि भगवती चरण वर्मा हैं। उन्होंने भी वचन की तरह छायावादी रहस्यात्मकता का परित्याग किया तथा प्रेम और मस्ती और उल्लास भरे गीत पाठकों के सामने प्रस्तुत किए। उनके गीतों में किसी प्रकार की कृत्रिम नैतिकता का बंधन नहीं है। क्या कहते हैं भगवती चरण, हम दीवानों की क्या मस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती क्या आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। क्या कहा है कि हम मस्ती में हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा की मस्ती और दीवानगी, उनकी कृतियाँ मधुकरण और प्रेम संगीत में देखने योग्य हैं, किंतु उनकी रचना मानव में मस्ती और खुमार जरा भी नज़र नहीं आता। इनकी काव्य कृति हैं मानव, उस मानव कृति में ये कह रहे हैं कि न तो मस्ती है न ही खुमार हैं, बल्कि उसका स्थान शोषित वर्ग के प्रति उपजी सहानुभूति और करुणा ने ले लिया है। वहाँ किसकी बात करते हैं, ये शोषितों की बात करने लग जाते हैं और उनके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव दर्शाते हैं। हालावाद का नशा बिखरने वाली तीसरे कवि नरेंद्र शर्मा हैं। नरेंद्र शर्मा की प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम की व्याकुल अभिव्यक्ति हुई है। वे कहीं कहीं पर वासनात्मकता भी हो गई, जिसे हालावाद का अतिक्रमण कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, हालावाद का अतिक्रमण। क्यों, क्योंकि इस रचनाओं में वासनात्मकता आ गई है, इसलिए ये कह रहे हैं कि इन रचनाओं को हालावाद का अतिक्रमण भी कह सकते हैं। उन्हें आधुनिक युग का निराशावाद अच्छा नहीं लगा, वे यथार्थवादी गीतों की रचना में अधिक रमे, पर प्रधानता प्रेम गीतों की हैं। उन्होंने स्वयं को मानवीय दुर्बलता का कवि कहा है। फूल फूल और कर्ण फूल उनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं। किनकी, नरेंद्र शर्मा की। हालावाद का हाला का प्याला पकड़ने वाले इन कवियों ने दीवानगी और मस्ती से भरपूर जिंदगी जीने का जो पैगाम अपनी कविताओं के द्वारा जन जन तक पहुंचाया है, वह दुख विषाद तथा निराशा को भूलने की अचूक औषधि रहा है। अब देखिए, प्रेम और मस्ती से भरपूर ये गीत पाठकों के मन में गहरे बैठ गए हैं तथा आज भी उन्हें पढ़ता है वह प्रेम और मस्ती से भर जाता है। ये गीत जीवन में भरपूर सार्थकता का निर्वाह करने में समर्थ नजर आते हैं। वस्तुतः हिंदी साहित्य में हालावाद की प्रासंगिकता जितनी तब थी उतनी ही अब भी हैं, और उसकी यह भाव प्रवण दुनिया स्वयं में जीवन का एक पहलू नजर आता है। शिवदान सिंह चौहान ने हालावाद के विषय में लिखा है कि प्रसाद पंत निराला और महादेवी ने व्यक्ति के सुख दुख उल्लास निराशा की अनुभूति प्रवण और विषय प्रदान अभिव्यंजना करते हुए भी
जिन नए मानव मूल्यों की सृष्टि की थी कविता का, जिन नए अर्थ भूमि का पर प्रसार किया था और काव्य की अंतःस्वर में मानवतावादी उदात्तता की जो गरिमा भर दी थी, अंचल तक आते आते उन मानव मूल्यों अर्थभूमियों और अंतःस्वर की उदात्तता का संपूर्ण विघटन हो गया तथा छायावादी कविता का दायरा संकीर्णतर होता चला गया। छायावादी काव्य के उत्कर्ष और हास की यह प्रक्रिया हिंदी कविता के विकास क्रम की एक कड़ी है। हालावाद विकास की एक कड़ी के रूप में हिंदी साहित्य का एक खास अंग बन गया और यह अंग आज भी उपस्थित हैं, भले ही उसकी मात्रा अब कम हो गई और एक खास समय के बाद मस्ती और प्रेम का रूपांतरण यथार्थ जगत की करुणा और सहानुभूति में हो जाती हैं। हालावाद की प्रासंगिकता आज जीवन के एक अंग के रूप में हिंदी साहित्य में आज भी बनी हुई हैं। अतः इसे एक जीवन भले ही न माना जा सके पर उसे जीवन का एक मस्ती भरा पहलू जरूर माना जा सकता है। यह प्रेम और मस्ती आज भी हिंदी साहित्य में बनी हुई हैं। केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि ने उस दौर के बाद भी इसमें डूबकर कुछ कविताएं की हैं। अति आधुनिक काल के नए कवि भी आरंभ में ऐसी कविताएं करते हैं। समकालीन काव्य साहित्य में हालावाद अर्थात प्रेम में पगी और दार्शनिकता से ढकी दबी कविताएं प्राप्त होती हैं, यानी वर्तमान काल में भी हमें हालावाद से जुड़ी हुई यानी प्रेम में और दार्शनिकता से ढकी दबी हुई कविताएं हमें मिलती हैं। अज्ञेय नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ कविताओं में प्रेम कहीं कहीं वियोग की स्थिति में है और कहीं कहीं मिलन अवस्था में प्रेम का नशा सिर चढ़कर बोलता दिखाई देता है। अज्ञेय की इस कविता में प्रेम का वासनात्मक पहलू तो है, साथ ही असफल प्रेम की कुंठा भी हैं। क्या कहते हैं, वासना के पैक सी फैली हुई थी, तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा आज यह अभिमान। अज्ञेय ने प्रकृति चित्रण द्वारा भी अपने काव्य में प्रेम संबंधी उपदेश दिए हैं। क्या कहा है, खग युगल करो संपन्न प्रणय, क्षण के जीवन में हो तन्मय। नारी शरीर की कोमल और सौंदर्य को उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है, यानी नारी शरीर की कोमलता और उसके सौंदर्य को प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलंगी छरहरे बाजरे की। उसी क्रम में आगे नागार्जुन ने भी कुछ कविताएं इस प्रकार से कही हैं जिसमें वही नारी सौंदर्य और प्रेम के भाव हैं। तुम नहीं हो पास, मैं तो तरसता हूँ प्यार के दो बोल सुनने के लिए। एक की ही 10 अंगुलियां नहीं काफ़ी, कदाचित रेशमी परितृप्तियाँ का जाल बुनने के लिए। मस्ती भरी जिंदगी और प्रेम की उदाम तरंगे
सर्वेश्वर दयाल ने भी तरंगित की हैं। एक तीखी ढलान मेरे सपनों में, आओ उन पर दौड़ें फिसलें, लोट लोट जाएं एक दूसरे की आत्मा को छू लें। हिंदी साहित्य में हालावाद की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा आदि ने जो धारा प्रवाहित की वह आज भी सतत प्रवाहित है, भले ही क्षीण होकर ही, किंतु है जरूर। आधुनिक कवियों में केदारनाथ अग्रवाल के काव्यों में भी यह प्रेम रस भरपूर मात्रा में मिल जाता है। वे यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर भी प्रेम की दुनिया में डूबे नजर आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता जहां प्रेम का उन्मुक्त रूप और अमरता दोनों ही दिखलाई देती हैं। क्या कहते हैं, हम न रहेंगे तब भी तो रति रंग रहेंगे, लाल कमल के साथ पुलकते मृग रहेंगे, मधु के दानी मोद मनाते, भूतल के रस सिक्त बनाते, लाल चुनरिया में लहराते अंग रहेंगे। प्रेम के ये गीत जो मस्ती से भरे हैं, उनकी प्रासंगिकता हिंदी साहित्य में कभी समाप्त होगी असंभव सा लगता है, क्योंकि यह दौर आज भी बरकरार हैं जिसमें मनुष्य प्रेम के गीत गाना चाहता है, उन्हें अमर कर देना चाहता है। यथार्थ जीवन की निराशा, दुख और कठिनाइयां हालावाद की मस्ती में द्रोहित कर देना चाहता है।